हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स वाइट लर्निंग और मोस्ट अवेटेड वीडियो जो आपको हमेशा से चाहिए था क्योंकि मैंने लाइव प्रोसेस के तीन पार्ट्स डाल दिए थे जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है वन टू और थ्री पार्ट फोर आज हम कंप्लीट करने वाले हैं दैट इज एक्सक्रीशन वाला पार्ट तो एक्सक्रीशन वाले पार्ट में हम क्या क्या देखने वाले हैं तो uh, सबसे पहले हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स फिर हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स जिसमें हम किडनी देखेंगे फिर हम नेफ्रॉन देखेंगे और फिर हम नेफ्रॉन का प्रॉपर फंक्शन उसका स्ट्रक्चर उसका डायग्राम उसकी सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दिस वीडियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको पता है कि टर्म वन एग्जाम जो है डिसंबर में उसके लिए ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी मतलब हमेशा के लिए लाइफ प्रोसेस चैप्टर में से जो भी कुछ आएगा एक्सक्रीशन टॉपिक बहुत ही टफ और इंपॉर्टेंट माना जाता है सो लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम सो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्राइब करूं थोड़ा ब्रीफ के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं सो so, इस वीडियो में हम एक्सक्रीशन वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे जिसमें हम उसके पार्ट दो जो है दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट और एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग कंप्लीट करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग देखेंगे जिसमें हम डिटेल्स में किडनी और नेफ्रॉन

वो लिविंग है लिविंग है तो सारी लाइफ प्रोसेस करेंगे लाइफ प्रोसेस करेंगे तो कुछ वेस्ट निकलेगा इसलिए ये काम होगा प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसे होता है तो लेट्स सी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स द प्लांट्स प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल वेरी स्लोली अब क्योंकि इनका प्रोसेस बहुत स्लो होता है इनकी जो लिविंग है कंडीशन ये लोकोमोट नहीं कर सकते हैं नहीं होता है तो इनकी सारी प्रोसेस ना स्लो होती है बराबर सो so, इनकी एक्सक्रीशन की प्रोसेस भी कैसी होगी स्लो होगी एंड इन वेरी स्मॉल अमाउंट और इनका जो एक्सक्रीट करके मटेरियल निकलेगा वो भी बहुत स्मॉल अमाउंट में निकलेगा अब द मेन वेस्ट प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स आर कौन से है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन ये तीनों इसके क्या है मेन वेस्ट मटेरियल्स है तो आपको इस पर भी मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है नॉर्मल क्वेश्चन भी और एमसीक्यू भी कि भाई इसके मेन जो है वो तीन कौन है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन अब CO2 टू एंड वाटर वेपर जो है आर प्रोड्यूस एज वेस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स अब जब रेस्पिरेशन करता है प्लांट तो तब कौन सी दो चीजें निकलती है तो वो CO2 और वाटर वेपर है ध्यान दीजिए रेस्पिरेशन के वक्त एमसी आ सकता है कि रेस्पिरेशन के वक्त एक्सक्रीशन क्या होता है प्लांट में तो CO2 टू एंड वाटर वेपर ऑक्सीजन कब होता है तो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एज अ वेस्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस के वक्त अगर आपको एमसीक्यू पूछा कि फोटोसिंथेसिस के वक्त एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है प्लांट्स में तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के वक्त क्या होता है तो सीओ टू एंड वॉटर वेपर ध्यान दीजिए ऑल द प्लांट्स एक्सक्रीट सीओ टू एज अ वेस्ट ओनली इन नाइट टाइम ध्यान दीजिए जो प्लांट्स होते हैं वो एक्सक्रीट करते सीओ टू एजस्ट इन फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या हो जा रहा था यूज हो जाता था क्योंकि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में सीओ टू की जरूरत होती है तो दिन में जो सीओ टू निकला वो किसने ले लिया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए प्लांट्स ने खुद ने ही यूज कर लिया एक्सक्रीट नहीं किया तो सीओ टू एक्सक्रीट कब हुआ तो सीओ टू जो एक्सक्रीट हुआ वो रात में हुआ ध्यान दीजिए अब ऑक्सीजन इज बाय प्लांट्स ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम एज इट इज दोड्यूस बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस अब ऑक्सीजन कब एक्सक्रीट किया यानी ऑक्सीजन कब एज अ वेस्ट मटेरियल मान के बाहर निकाला गया प्लांट से तो वो दिन में क्योंकि दिन में फोटोसिंथेसिस हो सकता है और फोटोसिंथेसिस में जो वेस्ट निकलता है वो है ऑक्सीजन अब इस ऑक्सीजन को क्या किया उसने बाहर निकाला दिन में, क्योंकि दिन में फोटोसिंथेसिस होता है, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, होता रात में में रेस्पिरेशन है। तो ध्यान दीजिए कि CO2 बल्कि ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि night time में नहीं हो सकता एंड वॉटर पेपर वॉटर वेपर गेट रेड बाय ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन यानी कि लूजिंग ऑफ वॉटर थ्रू पोर्स ऑफ प्लांट यानी कि एरियल पार्ट जो प्लांट एरियल पार्ट जो होते हैं प्लांट के उसके थ्रू जो बाहर निकलता है वॉटर उसे हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन दिस इज नथिंग बट द लॉस ऑफ वॉटर ना द प्लांट गेट रिड द प्लांट गेट्स रिड थोड़ा बुक में ऊपर कर लू ताकि आपको दिखाई दे ना प्लांट गेट रिड ऑफ स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट बाय द शेडिंग ऑफ लीवस

ऑक्सीजन सीओ टू और वाटर वेपर कब होते हैं जो सीओ टू और वाटर वेपर रेस्पिरेशन के वक्त होते हैं और ओ टू फोटो सिंथेसिस निकलता है ठीक है इसलिए सीओ टू नाइट टाइम में निकलेगा और ऑक्सीजन दिन के टाइम में निकलेगा डे टाइम नाइट टाइम याद रखिए आप लोग एमसीक्यू पूछा जा सकता है इन चीजों पे ठीक है लेट्स टर्न द पेज एंड स्टार्ट विथ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स अब लेट्स सी एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स क्या है ठीक है ना अब देख लेते हैं हम लोग देखो सेकंड पार्ट कर रहे हैं दैट इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग ठीक है नाउ एक्स ऑल द टाइम आर बॉडी प्रोड्यूसेस वेस्ट सब्सटेंसेज द मेजर वेस्ट प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन बीइंग्स आर सीओ टू एंड यूरिया अब देखो हमारी ह्यूमन बींग्स में जो दो सबसे मेन चीजें एक्सक्रीट होती है वो है सीओ टू सीओ टू आप सबको पता है कि आर लंग्स एक्सक्रीट सीओ टू हमारे लंग्स से हम जब सांस बाहर निकालते हैं तो सीओ टू बाहर निकलता है बाहर निकलता है यानी रिमूवल रिमूवल कि एक्सक्रीशन दूसरा आर किडनी एक्सक्रीट यूरिया डेली जो हम पी करते हैं दैट इज यूरिया हम उसको क्या एक्सक्रीट कर रहे हैं हम लोग यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं तो ये दो चीजें सबसे मेन है कि सीओ टू एंड यूरिया अब आगे बढ़ता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है मैंने एक्सप्रीटरी सिस्टम जो होता है लेट्स सी अगेन द एक्सक्रिटरी सिस्टम कलेक्ट द लिक्विड वेस्ट ऑफ बॉडी एंड हेल्प्स इट गेट रिड ऑफ दैम सो ये सीओ टू वाला जो लंग्स का था वो एक्सक्रिटरी सिस्टम में नहीं आता एक्सक्रिटरी सिस्टम में यूरिया निकालने की प्रोसेस आती है ठीक है सो एक्सक्रिटरी सिस्टम किसे माना जाता है जो कि यूरिया को क्या करे रिड करे अपनी बॉडी से यानी कि आई कैन से लिक्विड वेस्ट जो एक्सक्रीट करते हैं उस वो चीज एक्सक्रिटरी सिस्टम में आती है ना कि गैस वाला ओके ना तो हमारा जो एक्सक्रिटरी सिस्टम है उसमें चार चीजें मेन होती है, दो किडनी दो यूरेटर्स, ब्लेडर यूरेथ्रा यानी कि ये रही दो किडनी ये रहे हमारे दो यूरेटर ये रहा हमारा ब्लेडर और ये रहा यूरेथ्रा अब देखो इसको प्रोसेस को हम कैसे देखते हैं let's see. स्टार्ट so with लेट्स किडनी अब किडनी के बारे में हम देखते हैं लेट्स क्या है सो दे आर बीन शेप्ड ऑर्गन के शेप के होते हैं ठीक है ना द ब्लड इन आर बॉडी इज पासिंग थ्रू किडनी हमारा जो खून है वो कॉन्स्टेंटली जा रहा है किडनी से दिन भर यानी कि कंटिन्यूअसली ठीक है इट्स फंक्शन इज टू रिमूव द पॉइजनस सबस्टेंसेज यूरिया अदर अदरवेज सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट दैम इन द फॉर्म ऑफ यूरिन इसका फंक्शन क्या है सुनिए अच्छे से रिमूव करना किसे Poisonous हो, वो कौन से तो यूरिया है करता है, है यानी कि ये सारी poisonous substances है. तो दिन भर जब ये कंटिन्यूसली ब्लड हमारे किडनी से जा रहा है तो वो किडनी हमारी क्या करी है तीन चीजों को रिमूव करी है यूरिया को अदर वेस्ट सॉल्ट को और एक्सेस वाटर यानी कि ज्यादा पानी जो है हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा का वाटर जो है वो उसे बाहर निकाल रही है उसे बॉडी से रिमूव कर दे रही है तो किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन समझ में आ गया स्ट्रक्चर की ये बीन शेप की होती है और ये दिन भर ये हमारे ब्लड से पास होते जा रही है किडनी में से खून पास होते जा रहा है वो तीन चीजें बाहर निकाल रही है अब देखते हैं यूरेटर क्या करता है लेट सी तो अब यूरेटर का काम क्या है यहां पे द यूरेटर्स आर द ट्यूब्स विच कैरी ध्यान दो यहां पे यूरेटर आपको दिख रहा है यहां पे ये वाला यूरेटर ठीक है तो यूरेटर्स आर द ट्यूब्स विच कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द ब्लेडर बेसिकली किडनी से जो भी आपका यूरिन निकलेगा वो यहां से पास होके यूरेटर से ब्लेडर तक जाने का काम किसका है यूरेटर का करना है ना ब्लेडर क्या है तो यूरिन इज स्टोर्ड इन द ब्लेडर अंटिल द टाइम वी गो टू द टॉयलेट ब्लेडर क्या है तो ये एक टैंक है आई कैन से ये एक टैंक है जिसमें यूरिन जो है यूरिन जो है वो जमा करके रहेगा जब तक हम लोग वॉशरूम नहीं जाते यूरेथ्रा क्या है तो यूरिन कलेक्टेड इन द ब्लेडर इज पास आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा तो यूरेथ्रा इज नथिंग बट द रिमूवल पैसेज है जो यूरिन जमा हुआ था किडनी ने निकाला था यूरेटर ने ब्लेडर तक पहुंचाया था ब्लेडर से ब्लेडर के थ्रू वाया ब्लेडर यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा अब लेट्स सी नेफ्रॉन क्या होता है तो नेफ्रॉन ध्यान दीजिए गाइस कि नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने आपको डायग्राम भी यहां पे समझाया तो बेसिकली जो मैंने ब्लैक पेन से बनाया है वो पहले आप बना लो अगर आप रेड को भी इमेजिन करो कि वो प्रेजेंट नहीं होता तो आप सिर्फ ये वाला पार्ट इजीली बना सकते थे यहां पे आ गया हमारा कलेक्टिंग डक्ट बराबर ये हमारा क्या है तो बेसिकली यहां से बहुत सारे नेफ्रॉन्स होंगे जिसका ये कलेक्टिंग डक्ट है तो बेसिकली ये आपका क्या है कलेक्टिंग डक्ट है तो ये कलेक्टिंग डक्ट क्या है तो बेसिकली ये पूरे नेफ्रॉन से अपना जो यूरिन निकालता है ये यूरिन को क्या करता है कलेक्ट कर लेता है बराबर तो लेट्स सी इसका काम क्या है और फिर हम डायग्राम पे आते हैं ताकि आप इन चीजों को तब समझ पाओगे जब हम रीड करेंगे इनकी चीजें स्ट्रक्चर को ना देखो सबसे पहले तो ये जो नेफ्रॉन बनाया है पहले आप ब्लैक वाला पार्ट बना लो उसके बाद आप ये रेड वाले पार्ट को बना लो ठीक है ऑल ग्लूकोज ऑल अमीनो एसिड्स मोस्ट सॉल्ट एंड मोस्ट वॉटर री एब्सॉर्ब इन ब्लड हियर अब देखो किडनी ने ये तीन चीजें जो थी ये चीजें निकाल दी थी नेफ्रॉन में वो फिर से गई किडनी ने जो चीजें निकाली उसका वाला ब्लड जिसमें से किडनी निकाल चुकी थी वो ब्लड फिर से इसमें गया ताकि वो रीएब्सॉर्ब हो सके तो बेसिकली ये आपका डबल फिल्टर करने का काम करेगा कि कहीं कोई इंपॉर्टेंट चीजें जो भेज दियो किडनी ने वो फिर से ना चली जाए बाहर तो ये री एब्सॉर्ब का काम करेगा इन ब्लड हेयर यूरिया नॉट री सिर्फ यूरिया जो होगा वो रीएब्सॉर्ब नहीं होगा अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है तो वी विल तो एक यूनिट है किसका तो किडनी का तो नंबर ऑफ एक्सक्रिटरी यूनिट्स होते हैं किडनी में द बोमस कैप्सूल एंड द ट्यूबूल टेकन टुगेदर मेक्स ए नेफ्रॉन बोमन्स कैप्सूल आपको दिख रहा है यहाँ पे तो ये जो बोमन्स कैप्सूल है ठीक है ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पे दिस कप शेप इज कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल बोमन्स कैप्सूल के अंदर है ग्लोमल उलोमर और ये जो ट्यूब्यूल्स है इन्हें ट्यूब्यूल्स कहा जाता है ठीक है अब यहां पे देखो कि द बोमन्स कैप्सूल कंटेन्स अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमरूल अब यहां पे जो ये कप शेप क्या है कप शेप कपशेप कैप्सूल के अंदर कुछ बहुत सारी क्या है बहुत सारी यहां पे ब्लड कैपिलरीज है आप देख सकते हो ब्लड कैपिलरीज जिसे ग्लोमरूल कहा जाता है नाउ इन ग्लोमरुलस क्या होता है द ब्लड कम्स इन थ्रू एफरेंट आर्टियोल एफरेंट देख लेते हैं यहां पे देखो यहां पे जो ये एफरेंट आर्टियोल है यहां से ब्लड आ रहा है और यहां से ब्लड इसमें से जा रहा है ठीक है यानी कि दो है तो ग्लोमेरुलस में द ब्लड कम्स इन थ्रू एफरेंट आर्ट्रियल एंड ड्रेन आउट थ्रू इफरेंट आर्ट्रियल तो देखो यहां से ब्लड आया प्यूरिफिकेशन होगा और यहां से चला जाएगा ठीक है नाउ अब टर्न होते हैं फंक्शंस देखने के लिए नाउ फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है लेट्स सी सबसे पहला फिल्ट्रेशन उसके बाद री और उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन तो नेफ्रॉन को तीन हिस्सों में पढ़ना है हमें उसके फंक्शन तीन है क्या क्या है सबसे पहले फिल्ट्रेशन री यानी एफ आर टी इसके फंक्शन है फिल्ट्रेशन री एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन ना अब यहां पे हम देखते हैं फिल्ट्रेशन में क्या होता है तो फिल्ट्रेशन में बेसिकली यहां पे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन बोमन कैप्सूल फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमरूल फिल्ट्रेशन कहां होता है तो इस हिस्से में फिल्ट्रेशन होता है ठीक है ना अब वो बोल रहे हैं दिस टेक्स प्लेस अंडर हाई प्रेशर ये हाई प्रेशर के अंदर काम करते हैं ताकि हाई प्रेशर की वजह से चीजें रुक जाए फिल्ट्रेट हो जाए द फिल्ट्रेट पासिस इन टू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन दिस फिल्ट्रेट कंटेंट ग्लूकोज अमीनो एसिड्स यूरिया यूरिक एसिड सॉल्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर जो चीज निकालनी थी वो हमने निकाल ली यहां पे हमने फिल्ट्रेट में क्या निकाला फिल्ट्रेशन करने के बाद तो फिल्ट्रेट में वी कंटेन ग्लूकोज अमीनो एसिड्स यूरिया यूरिक एसिड सोल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर तो फिल्ट्रेशन में इन चीजों को निकालना ये चीजें मेन है इंपॉर्टेंट लिखना ठीक है एब्सॉर्न में क्या हुआ एज द फिल्टरेट फ्लोज अलॉन्ग ये फिल्ट्रेट जो निकला था जैसे ये ट्यूब्यूल से जाता है यूजफुल सब्सटेंसेस इसमें कुछ कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस देख सकते हो कि ग्लूकोज जो हमारा यूजफुल है थोड़ा वाटर यूजफुल है कुछ सोल्ट यूजफुल है

Water reabsorbed, the amount of water reabsorbed depends on the need of the body and also on the amount of waste to be excreted. अब जो पानी यानी कि आपको जो यूरिन होगा वो उस पर डिपेंड करेगा दो चीजों पे एक आपकी बॉडी में ऑलरेडी कितना वाटर प्रेजेंट है और दूसरा कि कितना अमाउंट ऑफ वेस्ट हमें एक्सक्रीट करना है तो री उस पर भी बेस करता है वाटर का ठीक है अब देखते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन क्या है तो सर्टन सब्सटेंसेज दैट आर हार्मफुल एंड नॉट नीडेड बाय द बॉडी लाइक अमोनिया पोटेशियम क्रेटेन एंड हाइड्रोजन आय आर सिक्रीटेड फ्राम द कैपलरी ब्लड इन टू द लूमन ऑफ डिस्टल ट्यूबुलिस इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन अब यह ट्यूबुलर सिक्रेशन कहां हुआ है मैं आपको डायग्राम में बताता हूं ये ट्यूबुलर सिक्रेशन यहां का है यानी कि ये डिस्टल ट्यूबुल जो होती है वो यहां से सिक्रीट करते वक्त किसको ट्यूबुलर सिक्रेशन बोलेंगे जो ट्यूब से हुआ है इसलिए उसको ट्यूबुलर सिक्रेशन बोला है तो यहाँ पे ये जो सब्सेंसेज है दर हार्मुल एंड नॉट नीडेड जैसे कि अमोनिया देखो यहां पे लिखा है सर्टन सब्सटेंसेस दैट आर हार्मफुल एंड नॉट नीडेड कौन कौन अमोनिया पोटेशियम क्रेटानिन एंड हाइड्रोजन आय आर सिक्रीटेड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द लूमन ऑफ डिस्टल ट्यूबुल दिस इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन द फ्लूड एंटरिंग द कलेक्टिंग ट्यूबुल इज कॉल्ड यूरिन और फिर ये सारी चीजें इस कलेक्टिंग डक्ट में चली जाएंगी और यहां पे जो कलेक्ट होगा उसे हम बोलेंगे यूरिन तो यूरिन तीन तरीकों से जमा हुआ बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी तब जाके हम यूरिन को क्रिएट कर पाए हैं कौन सी कौन सी चीजें फिल्ट्रेशन करना पड़ा जिसमें हमने ये सारी चीजें निकाल ली इसमें से रिजॉर्ब की कुछ चीजें और ट्यूबुलर से उस से उसमें भी जो चीजें बहुत हार्मफुल थी वो हमने निकाल दी सो so अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आपको ये वीडियो के फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट देखने है, तो वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपको मैं और कौन सी वीडियोस अपलोड करूं और कमेंट जरूर कीजिए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा थैंक यू सो मच गाइस